हेलो गाइस, चॉकलेट चैलेंज का आज लास्ट डे है और आज हम बनाने वाले हैं चॉकलेट आइसक्रीम, जो कि एक रिक्वेस्टेड वीडियो है एसआर के और मिनाकी की तरफ से। और ये हमने यहाँ पे लिया है 400 ग्राम्स व्हिप्ड क्रीम, उसमें हमने डाला है 1/3 कप कोको पाउडर। ये सारी इंग्रेडिएंट्स फ्रीज रहने चाहिए, चिल्ड रहने चाहिए, तो यहाँ पे थोड़ा सा बीट करने में मुश्किल आती है, लेकिन जैसे कि ये सॉफ्ट हो जाता है तो बीट फिर आसानी से हो जाता है। यहाँ पर हमने बीट कर लेना है तब तक कि जब तक कि स्टिफ पीक्स नहीं आ जाते, और यहाँ पर हमने साइड्स को स्क्रेप करते रहना है। और अच्छे से बीट कर लेने के बाद हमने इसके अंदर डालेंगे कंडेंस्ड मिल्क। कंडेंस्ड मिल्क आप कोई सा भी ले सकते हो, चाहे तो आप मिठाई मेड का ले लो या नेस्ले का मिल्क मेड ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप दोनों में से कोई सा भी एक ले सकते हो। ये हमने यहाँ पे लिया है 200 ग्राम्स कंडेंस्ड मिल्क। कंडेंस्ड मिल्क डालने के बाद फिर से हमने इसको बीट कर लिया है ताकि अच्छी तरीके से इसमें मिक्स हो जाए। मिक्स हो जाने के बाद हम इसके अंदर डालेंगे चॉकलेट चिप्स। चॉकलेट चिप्स आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हो, जितना भी आपको चाहिए। मुझे चॉकलेट चिप्स बहुत पसंद है इसलिए मैंने यहाँ पर ज़्यादा डाली है, आप अपने हिसाब से डाल सकते हो। आप में से किस किस को चॉकलेट चिप्स पसंद है प्लीज़ मुझे कमेंट्स में करके बताइएगा। यहाँ पर फिर उसके बाद मैंने क्लिंच रैप से अच्छी तरीके से उसको कवर कर लिया ताकि कोई भी मॉइस्चर अंदर ना जाए, आइस क्रिस्टल्स ना बने। फिर हमने एयरटाइट कंटेनर में उसको ओवरनाइट फ्रीज करने के लिए रख दिया है। ये देखिए, अभी सुबह में मैंने इसको वापस से निकाला है तो कितनी अच्छी तरीके से सेट हो गई है, ये बहुत ही क्रीमी और डिलीशियस लग रही है। चलिए इसको निकालते हैं, उसको ट्राई करते हैं कि कैसी बनी है। यहाँ पे मैंने 3 स्कूप्स निकाला है, ये देखिए कितने अच्छी तरीके से स्कूप करके बॉल की तरह निकल रही है। आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी, ये बहुत ही डिलीशियस बनी है। और ये बहुत इजी है, सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट्स लगते हैं इसके लिए, व्हिप्ड क्रीम, कंडेंस मिल्क एंड कोको पाउडर। चॉकलेट चिप्स ऑप्शनल है, अगर आप चाहो तो डालो या फिर आप स्किप भी कर सकते हो। बहुत ज़्यादा यमी बनी है और एकदम मार्केट जैसी लग रही है, जैसे अमूल की चॉकलेट चिप्स आइसक्रीम रहती है सेम वैसी ही बनी है। वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना।